सेरीना एक रीजन थी जिस कारण से पोकेमोन एक्स वाई एंड एक्स वाई जी बहुत ही पीक तक पहुंचा। और आज हम लोग सेरीना से जुड़े ही कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। वैसे मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर फैक्ट बनाए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में कोई भी फैक्ट रिपीट नहीं होंगे एंड कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। और इस एनिमे के साथ साथ, यानी कि पोकेमोन एनिमे के साथ साथ, हम लोग इस बार इसको योर नेम मूवी से भी कनेक्ट करके देखेंगे एंड देखते क्या ये कनेक्टेबल है या फिर नहीं। सो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 10, सेरीना अभी तक की अकेली मेन कैरेक्टर है जिसका अपेयरेंस मेन कास्ट लीव करने के बाद टिल नाउ अभी तक कभी भी नहीं हुआ है। एंड बाकी जितने भी मेन कैरेक्टर्स थे उन सभी का अपेयरेंस कभी ना कभी तो पोकेमोन एनिमे के अंदर वापस हो ही गया। और अगर बोलोगे कि एश के यूनोवन कंपेनियंस एंड बाकी के कैलॉस कंपेनियंस क्या वापस आए कभी, तो हाँ बिल्कुल आए हैं। इसका मतलब आप लोगों ने स्पेशल एपिसोड पोकेमोन का मिस कर दिया है। फैक्ट नंबर 9, सेरीना की सेकेंड बैग रेसेंबल करती थी हील बॉल की डिजाइन को, अगर सही से आँख खोल के देखो तो। फैक्ट नंबर 8, वेल सेरीना के पास एक और पोकेमोन आ सकता था, बट अनलकीली सेरीना फेल हो गई थी उस पोकेमोन को पकड़ने में एंड वो पोकेमोन तक कौसला। फैक्ट नंबर 7, सेरीना अकेली ऐसी फीमेल कंपेनियन है जिसने आज के किसी भी और फ्रेंड से नहीं मिला हो जो कैलॉस रीजन से बिलोंग नहीं करते हो। फैक्ट नंबर 6, सेरीना के नाम की अगर प्रोनाउंसिएशन हम लोग दूसरे लैंग्वेजेस में देखें तो मैट्रिन यानी चाइनीज में सेरीना, रशियन में सेफा, कैंटोनीज में कॉलिना होता है। फैक्ट नंबर 5, सेरीना के नाम का प्रोनाउंसिएशन हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में जान ही चुके हैं, बट ये सेरीना के नेम का मीनिंग क्या होता है, तो सेरीना नेम डिपिक्ट करता है जॉय एंड क्वाइटनेस को, जो एनिमे सीरीज के सेरीना पे बिल्कुल सूट करता था क्योंकि उसकी भी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक जॉय एंड क्वाइटनेस को दिखलाती थी। फैक्ट नंबर 4, सेरीना को आई चूज यू के कैमियो में दिखाया गया था, बट अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई और मेन कैरेक्टर एश को छोड़ के वहाँ पे अपेयरेंस अपना दे सकता है। लेकिन यहाँ पे पोकेमोन कंपनी तब दिखाना क्या चाहती थी, मतलब यहाँ पे एक आउट ऑफ टाइमलाइन कैरेक्टर का अपेयरेंस होना किस चीज़ को डिपेक्ट करता है। फैक्ट नंबर 3, सेरीना ने एनिमे सीरीज के दौरान ही अपने आउटफिट को चेंज किया था एंड इधर से हम लोग को क्लू मिलता है कि गेम्स के अंदर की ट्रेनर कस्टमाइजेशन को पोकेमोन कंपनी एनिमे के अंदर भी दिखाने के लिए एंड थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए चाहती थी। वेल, ये जरूरी भी था क्योंकि ट्रेनर कस्टमाइजेशन एक्स एंड वाई में ही फर्स्ट टाइम आया था, तो सेरीना के आउटफिट कस्टमाइजेशन के बाद इसकी पॉपुलैरिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। फैक्ट नंबर 2, सेरीना का न्यू अपेयरेंस एनिमे में आने से पहले ही एक शिलहूट पोस्टर में लीक हो गया था, जस्ट लाइक जैसे कुछ महीने पहले जरूर के लिए हुआ था। एग्जैक्टली सेम थिंग वहाँ पे सेरीना के लिए भी हुआ था। फैक्ट नंबर 1, सेरीना एंड योर नेम एनिमे मूवी की मेन कैरेक्टर मित्सुआ, इन दोनों ने ही एनिमे के दौरान ही अपने हेयर को कट किया था एंड दोनों ने ही ऐसा सिर्फ एक नई शुरुआत करने के लिए किया था। और अगर किसी को याद हो तो दोनों ही एनिमे के अंदर ये इंसिडेंट के बाद ही एक्शन एंड एडवेंचर का सिलसिला शुरू हुआ। वेल, ये कोई ऑफिशियल फैक्ट नहीं है, ये मेरी सेल्फ मेड फैक्ट है जो मुझे योर नेम मूवी देखते देखते याद आ गया, तो बस एक कोइंसिडेंस बन गया और ये फैक्ट भी बन गया। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने योर नेम नहीं देखा है तो बहुत ही अच्छी एनिमे मूवी मिस कर रहे हो, गो एंड चेक दैट आउट। सो या गाइस, ये थी कुछ फैक्ट सेरीना के ऊपर एंड आई होप यू लाइक इट। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, नहीं हो मेरे चैनल पे देन बी श्योर टू सब्सक्राइब। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, दिस इज इट, पोकेमोन गैलेक्सी साइनिंग आउट।